तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, क्या मेरी असित जी से बात हो रही है? हाँ जी बोलिए, मैं असित कुमार मोदी बोल रहा हूँ। हाँ असित जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? अमिताभ बच्चन जी? जी अमिताभ बच्चन जी, आप, व्हाट अ सरप्राइज। नमस्कार नमस्कार, क्या बात है, आज के तो दिन की शुरुआत ही जबरदस्त हो गई। ऑफिस आया और आपका फोन आ गया। बाकी आपका रोज 9 बजे कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं पूरे परिवार के साथ, बहुत मजा आता है, बड़े चाव से देखते हैं। अभी तो बच्चों वाला एपिसोड तो बहुत मजा आ गया, क्या बात है सर, जारी रखिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, लेकिन हमने आपको ये कॉल एक खास वजह से किया है और लगाया भी है। सर आपने मुझे याद किया, बताइए बताइए, मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। जी जी, देखिए हमें आपके बनाए शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम से एक काम था। बताइए बताइए सर, हमारी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हस्ती खेलती प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी से आपको क्या काम है? एकदम सही कहा आपने, देखिए गोकुलधाम सोसाइटी के इसी गुण के कारण तो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का फैन हूँ। आपके आशीर्वाद बनाए रखना, हम सब ऐसे ही लोगों को हंसाते रहे, खुश रखे। अरे सर मैं हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को अगर कहूंगा ना कि अमिताभ बच्चन जी को आपका काम है, अरे तो आप मानेंगे नहीं, सब खुशी से उछल जाएंगे। अरे आप बताइए बताइए क्या काम है, हम लोग आपकी सेवा में सदा तत्पर है। और आपको तो पता है कि हमारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा की गोकुलधाम सोसाइटी कहीं भी अगर कुछ अच्छा काम है तो बस 10 कदम आगे ही चलती है। एकदम सही कहा आपने, ये कोविड के चलते समय लोगों को बहुत बड़ी मुसीबतें हो रही है, लोगों में मायूसी छा गई है, लोग हंसते खेलते रहे, चंद मुस्कुराहट हम लोग बांट सके तो बहुत बड़ी बात है जी। और ऊपर से अगर आपके आशीर्वाद है, क्या बात है सर क्या बात है, आज तो एकदम खुशी का दिन है। आप लोग पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा हैं। तो कैसे आप सब एक साथ त्योहार मनाते हैं, कैसे अलग अलग समुदाय के लोग एक सोसाइटी में प्रेम पूर्वक रहते हैं, जैसे जैसे बगीचे में अलग अलग फूल खिलते हो ना वैसे। और तो और आप लोग मिलकर जो समाज कल्याण के कार्यों में लगे रहते हैं, जनसेवा में संलग्न रहते हैं, ये देखिए बहुत ही अद्भुत बात होती है। थैंक यू सर, हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम और उसमें बसी गोकुलधाम सोसाइटी को कितना सम्मान देने के लिए, आपकी इस प्रशंसा से तो बस हमारा आत्मविश्वास बुलंदी पे पहुंच गया है जी। बस ईश्वर हमेशा ये कृपा बनाए रखे कि हम लोगों को हंसाए रखे, हम भी हंसते रहे और बस समाज के अच्छे विचारों का संदेश लोगों को बांटते रहे। मैं और हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम, हम भी ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही लोगों को मनोरंजन देते रहे और भगवान आपकी तंदुरुस्ती बनाए रखे। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सॉरी सॉरी सर, मैं तो ऐसे ही बातों में बह गया। आपसे जो बात कर रहा हूँ इतनी खुशी मिल रही है, बताइए बताइए सर क्या हुक्म है आपका? तो गोकुल धाम सोसाइटी के इन्हीं नेक कार्यों को देखते हुए मैं चाहता था कि आपकी इस सम्मानित सोसाइटी के सभी सदस्य ये हमारे मंच पर आए और हमारे साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलें। ओह सर क्या बात है, ये तो हमारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। वाह वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी सर, बताइए बताइए कहाँ आना है, कब आना है? देखिए समय और तारीख मैं तय कर चुका हूँ भाई साहब। मौका है, हमारा कार्यक्रम है शानदार शुक्रवार और समय है रात 9 बजे। शानदार शुक्रवार यानी 10 दिसंबर को? बस समय पर पहुँच जाइएगा, देर मत कीजिएगा। अरे सर सब हम लोग साथ में मिलके आनंद और उल्लास के साथ आ जाएंगे। लेकिन सर क्या है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है,
इतने सारे लोग हैं जी, और आपको पता है कि कभी कोई लेट हो जाएगा तो आप संभाल लेना सर। ठीक है धन्यवाद। थैंक यू सर। तो इंतजार रहेगा आप लोगों का? अरे सर आपको क्या इंतजार रहेगा, इंतजार तो हमको रहेगा आपको मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वाह वाह वाह, आज तो एकदम यादगार दिन हो गया। कितनी बड़ी खुशखबरी, ये हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में कैसे बताऊं? ऐसे ही जाके बता दूंगा। नहीं, हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े को, एकमेव सेक्रेटरी को, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के अंदाज में ही बताना पड़ेगा। चलो थोड़ी मस्ती भी कर लेता हूं। आत्माराम तुकाराम भिड़े, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी, खुशखबरी के लिए तैयार रहो। हाय फ्रेंड्स। हाय सोनू। अरे सोनू कहाँ पर है, हम कब से तेरा क्लब हाउस में वेट कर रहे हैं, कब तक आ रही है तू? बस थोड़ी देर में आती हूँ, बट पहले मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना है। क्या? ये देखो, मैंने मेरा पूरा बेड सॉफ्ट टॉयज से डेकोरेट किया है। क्या बात है, क्यूट लग रहा है ना? वाह सोनू, बहुत अच्छी तरीके से तूने बेड को डेकोरेट किया। हाँ यार, थैंक यू। सोनू क्या कर रहे हो, बंद करो बंद करो। क्यों आप इतना अच्छा तो गा रहे हो, गाओ ना। अरे लेकिन तुम क्या कर रही हो, अरे तुम बाबा छुप क्यों रहे हो? नहीं 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 बंद करो बंद करो सोनू सोनू बंद करो। अरे अरे पर तू सोनू बंद करो। नहीं 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 मैंने गाने वाला। अरे गाओ ना बाबा। अरे अरे सोनू तो कल्टा कार में बनियन नहीं हो तुम, एक शिक्षक हो, शिक्षक की इज्जत है भाई, क्या कर क्या रही हो तुम? बाबा आप देखिए तो सही, फोन पे है कौन? अरे वो जो कोई भी हो सोनू, वो मुझे देख रहे हैं, मुझे उनको नहीं देखना है। अरे ये तुम क्या यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट देख रही हो, बोलो ना उसको बंद करने के लिए। बंद करो बंद करो। अरे तुम सब हेलो सब, मतलब कितने जन देख रहे हैं मुझे? अरे तुम हेलो क्या कर रही हो, बंद करो बंद करो। खींच लो खींच लो खींच लो। अरे साड़ी क्या किसने फोन खींचना चाहिए था? काय करती है तू बाकी? आप देखिए तो कौन देख रहा है आपको? मैंने बोला ना मुझे नहीं देखना है, सुनो बंद करो। आओ टप्पू सेना है। कौन है? टप्पू सेना। हाय बिडंकर। हाय बिडंकर। ओ तुम लोग हो। बाबा अभी टप्पू सेना से क्या शर्म। ओ हाँ बेटा अंकल आप शर्मा रहे हो, आप हमें बचपन से पढ़ा रहे हो, शर्माना क्या इसमें? हाँ बेटा अंकल इतना शर्मा क्यों रहे हो, आपने हमें बचपन में कितनी बार बनियान में पढ़ा है, उसमें क्या? हाँ हम तो घर के हैं। ठीक है मुझे पता नहीं था कि तुम लोग हो, मुझे लगा सोनू ने किसी और के सामने मेरा लाइव वीडियो चालू कर दिया। बाबा सोनू थोड़ी ऐसे करेगी क्या अभी? बेटा अंकल वो सॉन्ग वापिस गाए ना, बहुत अच्छा गा रहे थे आप। लेकिन किसी दिन लाइव सुनाऊंगा, अभी नहीं यहाँ। ओके मीडिया अंकल हम लोग वेट करेंगे। ओके चल चल सोनू तू जल्दी से क्लब हाउस आ जा, हम तेरा वेट कर रहे हैं। हाँ मैं अभी आई बाबा, मैं जाकर आती हूँ। हाँ कमाल है। हेलो भिड़े भाई, आसित कुमार मोदी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ पता है आसित भाई, आपका नंबर सेव है मेरे पास। बोलिए बोलिए कैसे फोन किया, सब ठीक? अरे बस बस एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसी है हमारी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी? गोकुलधाम में सब कुछ जैसा था वैसा ही आसित भाई, अभी भी जेठाल के पीछे मेंटेनेंस के चेक के लिए पढ़ना पड़ता है कि पोपटा की शादी हो नहीं रही है, वो छोटी छोटी बात में दुनिया हिला दूंगा करता रहता है, ये सोड़ी हमेशा मुझे उठा लेता है और अपना पंजाबी प्यार जताता रहता है, और टप्पू के बारे में जितना ज्यादा बताऊं उतना कम है। अरे भिड़े भाई आप तो शिकायत पे शिकायत करने लगे, मुझे लगता है आपका नाम आत्माराम बदल के शिकायत राम करना चाहिए। अरे भले कुछ भी छोटे मोटे प्रॉब्लम होते होंगे, लेकिन हमारी सोसाइटी तो ऐसे तो हंसती खेलती मस्त रहती है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि गोकुलधाम सोसाइटी में सब लोग मस्त है ना, हंसते खेलते सब लोग खुश है ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना? नहीं नहीं वैसे तो यहाँ पे सब खुशहाल है, कोई टेंशन नहीं है। आप बताइए आपने कैसे याद किया? क्या भिड़े भाई आपको याद नहीं कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं आप तो कभी भी याद कर सकते हैं आसिफ भाई, आपका फोन आता तो खुशी होती है। हाँ हाँ वो तो है, मुझे भी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में किसी से भी बात कर लेता हूँ ना एकदम दिल खुश हो जाता है। बताइए बताइए क्या काम था? अरे भाई काम तो बहुत बड़ा था, काम नहीं एक्चुअली एक खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? छोटी मोटी खुशखबरी नहीं है, बहुत बड़ी खुशखबरी है।
ढोल नगारे के साथ तैयार हो जाओ और आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। कीड़े भाई, ये खुशखबरी सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए है। अगर सुनेंगे ना तो एकदम आप आनंद से नाच उठेंगे, झूम उठेंगे। क्या गोकुलधाम वालों के लिए खुशखबरी है? हाँ, अरे एकदम। अरे ऐसी बड़ी खुशखबरी है कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी खुशी से झूम उठेगी। अरे वाह, बताइए बताइए आसिफ भाई, ऐसी क्या खुशखबरी है? अरे अरे नहीं, ऐसे थोड़ी बताऊंगा खुशखबरी, मैं खुद आके बताऊंगा, ऐसे फोन पे नहीं बताऊंगा। तो आज रात को 8:30 बजे सबको क्लब हाउस में बुला लो, पूरी टपू सेना, हमारी महिला मंडली, पुरुष मंडली, सब लोग के सामने ही खुशखबरी बताऊंगा भाई, सरप्राइज है। हाँ हाँ आसिफ भाई, मैं सबको बता दूंगा, लेकिन आप गोकुलधाम के एक में सेक्रेटरी को तो बता ही सकते हैं ना? नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगा, सबको आने दो, मीटिंग में सबके सामने बताऊंगा। तो मिलते हैं रात को 8:30 बजे। हाँ, मिलते हैं 8:30 बजे। लेकिन आसिफ भाई, आप सेक्रेटरी को तो बता ही सकते हैं ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मेरे भाई, आप कितना भी बोलो, कुछ भी बोलो, मैं ये बात आपको फोन पे नहीं बताऊंगा, ना ही किसी भी गोकुलधाम सोसाइटी वालों को बताऊंगा। बस मैं खुद आऊंगा, सबके सामने बताऊंगा। तो पूरी सोसाइटी को बोल दीजिए 8:30 बजे का इंतजार कीजिए और सबके सामने बताता हूँ। हाँ ठीक है आसिफ भाई, तो फिर मिलते हैं भिड़े भाई रात को 8:30 बजे क्लब हाउस में। हाँ हाँ, मिलते बाय बाय बाय। वाह, मजा आ जाएगा, गोकुलधाम सोसाइटी तो एकदम खुश हो जाएगी। आसिफ भाई स्पेशली यहाँ आकर बताने वाले, मतलब नक्की कोई खास बात होगी नहीं कहा? हाँ वो तो है। चलो गोकुलधाम में सबको मैसेज करके बोल तो दूं कि आज रात को मीटिंग है। और रुक जा रोशन सिंह सोडी, वो देखता ले किदा मैसेज है। ओए वीडू दा मैसेज, माननीय सदस्यो, आज क्लब हाउस में ठीक 8:30 बजे मीटिंग है, मीटिंग में सबका आना जरूरी है। आज किस बात की मीटिंग रखी है भिड़े ने? जो भी हो, भगवान करे कोई धमाल ना हो मीटिंग में। देख बागा, अभी 2022 शुरू होने वाला है, तो मुझे 2021 का पूरा हिसाब क्लियर चाहिए। जिनका जिनका भी पेमेंट बाकी है सबको फोन कर करके याद दिला कि भाई पेमेंट कर दे जल्द से जल्द। जी सेठ जी। आपने कहा ना, जिन जिन के पेमेंट बाकी है उन सबको फोन करके याद दिला कि आपके पेमेंट बाकी है, तो आपका ही पेमेंट बाकी है। मेरे दुकान में मेरा ही पेमेंट बाकी है। कौन सा? वो पिछले महीने टप्पू सेठ जी ने हमारी दुकान से मोबाइल लिया था, उसके 50,000 बाकी है, वो आपके नाम पे उधार बोल रहे हैं। बाका तूने टप्पू को 50,000 का मोबाइल दिया? अरे उनको तो 1,25,000 का फोन पसंद आया था, लेकिन हमारे पास वो स्टॉक में था नहीं, इसलिए फिर उन्होंने 50,000 वाला मोबाइल पसंद किया। बोलो, यहाँ बाप 10-12,000 का मोबाइल वापर रहा है और बेटे को 1,25,000 का मोबाइल पसंद आ रहा है। तो बागा तुझे उसे 10-12,000 का मोबाइल नहीं देना चाहिए था। सेठ जी, अगर आप ही ऐसा सोचोगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? क्या मतलब? मतलब सोचिए, अगर टप्पू सेठ जी ने हमारी दुकान से 1,25,000 का मोबाइल खरीदा होता तो वो कॉलेज जाकर अपने दोस्तों को बताते कि मेरे पापा ने मुझे 1,25,000 का फोन दिया है, तो सारे दोस्त अपने पापा को बताते, तो सारे पापा हमारी दुकान में आकर 1,25,000 का फोन खरीदते और आपकी वाहवाह करते। अरे वाहवाह नहीं करते, आके मुझे खरी खोटी सुनाते कि ये क्या कर रहे हैं आप, अपने बेटे को 1,25,000 का मोबाइल दे रहे, उसकी वजह से हमारे बेटे बिगड़ रहे, हमारे बेटे भी जीत कर रहे, ऐसा सब सुनाते मुझे भाई। वो तो जैसी जिसकी सोच। अच्छा सेठ जी, आप कभी जमा करवा रहे हैं 50,000? अरे भाई तू मेरी छोड़ने भाई, मैं तो इधर ही हूँ, बाकी जिनके पेमेंट बाकी उन सबको फोन कर। जी। और सुन, मेरे लिए जरा एक कड़क मसाला चाय तो बोल। जी। भीड़े का मैसेज। माननीय सदस्यों, आज क्लब हाउस में ठीक 8:30 बजे मीटिंग है, मीटिंग में सबका आना जरूरी है। तो मीटिंग के बारे में नोटिस बोर्ड पे लिख ही देता हूँ। जेठा का फोन? नक्की मीटिंग के बारे में पूछने के लिए फोन किया होगा।
हाँ बोलो जेठालाल, मीटिंग के बारे में पूछने के लिए फोन किया ना। अरे हाँ भाई, ये क्या है भाई, तो सुबह मैसेज करता है, शाम को मीटिंग है। अभी आज शाम को मेरा कुछ प्रोग्राम हुआ तो फिर मैं कैसे आऊँ मीटिंग में? तो ठीक है, तुम नहीं आओगे तो भी चलेगा। अरे क्या चलेगा, मीटिंग में 5 मिनट अगर मैं लेट होता हूँ तो तू कितना सुनाता है। अगर मैं मीटिंग में आऊँ ही नहीं तो पता नहीं तू कितने दिन तक मुझे सुनाता रहेगा। तो फिर आज का क्या है, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? चल अभी तेरे अच्छे नसीब की वजह से आज मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है चलो। ये भाई क्या, चलो मीटिंग किस बारे में, वो तो बता। वो मुझे नहीं पता। क्या बोल रहा है तू, तूने मीटिंग बुलाई और तुझे पता ही नहीं है मीटिंग किस बारे में? जेठालाल मीटिंग मैंने नहीं रखी है, दरअसल आशीष भाई का मुझे फोन आया था, उन्होंने मुझे कहा कि गोकुला वासियों के लिए खुशखबर है। अच्छा क्या खुशखबर है? जेठालाल आशीष भाई ने कहा कि हमारे लिए खुशखबर है। क्या खुशखबर है वो नहीं बताया। मैंने पूछा भी अपनी तरफ से कि मुझे बताइए, तो उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ मीटिंग अरेंज करो, खुशखबरी मैं आके दूंगा। अच्छा ऐसा बोला? वाह, ये तो लग रहा है खबर कुछ खास है। हाँ लगता तो ऐसे ही है। ठीक है चल मिलते हैं शाम को। हाँ मिलते हैं, लेकिन तुम टाइम पे आ जाना। अरे हाँ भाई चलना वे। हाँ ये जेठा की तरह बाकी सब भी कहीं फोन करके परेशान ना करे, इससे अच्छा मैं ही सबको मैसेज करके खुशखबरी वाली बात बता देता हूँ। खुशखबर सुनने के लिए सब बराबर टाइम पे आ जाएंगे। माधवी भाभी आपने तो सुबह सुबह ये गुड न्यूज की बात बोल के ना हमें बहुत खुश कर दिया। Yes. पर ऐसी कौन सी खुशखबरी है कि आसिद भाई खुद यहाँ हम सबको बताने आ रहे हैं? हाँ इन्होंने कितनी बार उनको पूछा पर आसिद भाई ने बताया ही नहीं। पर भीरे भाई तो सेक्रेटरी है, उन्हें तो बताना ही चाहिए। इन्होंने वही बोला कि मैं सेक्रेटरी हूँ तो मुझे तो बताइए, लेकिन नहीं असित भाई ने कहा ऐसी बात मैं फोन पे नहीं बताऊंगा, क्लब हाउस में मीटिंग में ही बताऊंगा। मतलब ये बात तो पक्की है कि जरूर कोई बड़ी खुशखबरी है। बस अब ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी से 8:30 बजे और पता तो चले कि खुशखबरी आखिर है क्या। मैं तो ये खुशखबरी जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप दोनों उत्साह अभी बचा के रखो क्योंकि खुशखबर तो क्लब हाउस में ही पता चलने वाली है शाम को। फ्रेंड्स आज तो क्लब हाउस में मजा आ जाने वाला है। गुड न्यूज जितनी जोरदार होगी मजा उतना ही जोरदार आएगा। लेकिन फ्रेंड्स खुशखबरी क्या होगी ये सोच सोच कर तो मुझे भूख लग गई। बोली तू रहने दे भाई, तू इतना कष्ट मत ले सोचने का। हाँ और वैसे भी शाम को तो पता चल ही जाएगा। हाँ वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन तब तक वेट कौन करे, तब तक समोसे खाते। दोस्तों मैं जानता हूँ कि मेरी तरह आप भी बड़े खुश होंगे। अरे खुश क्यों ना हो, इस सदी के महान आयक श्री अमिताभ बच्चन साहब ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सर्जक श्री अक्षय कुमार मोदी और गोकुल धाम के तमाम निवासियों को कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया है, यानी कि हम उनके सामने हॉट सीट पर बैठेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। एक्साइटेड क्यों ना हूँ, क्योंकि ये जब मिलन होगा तो बड़ा हंगामेदार होगा। और सबसे बड़ी बात, गोकुल धाम निवासियों को जब ये पता चलेगी खुशखबरी, ये जो आसिफ भाई सुनाने वाले हैं खुशखबरी, ये खुशखबरी जब सुनेंगे तब क्या होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं सारे लोग कि खुशखबरी क्या हो सकती है, क्या होने वाली है। हर आदमी तुक्का लगा रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि गोकुल धाम है यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई चीज सीधी तो होती नहीं ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पोपट लाल ये समझ ले कि उसकी शादी की खुशखबरी है, तो फिर तो हंगामा तगड़ा होगा। अब ये हंगामा क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.